नमस्कार। दिन भर की ताजा तरीन खबरों को समेट कर आज आपके बीच परोसते हुए मैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव। हालांकि ये खबर हमारे देश भर के फैले तमाम पत्रकारों की मेहनत का एक फल है। इसमें आपका सहयोग निरंतर मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपकी सहयोग हमें देश के साथ आज विदेशों में भी डंका बजाने पर मजबूर है। तो कृपया कर हमारे चैनल को खबर देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत करता हूं आपका ANS 11 में। हम खड़े हैं आज बिरसा गार्डन के भारत माता मंदिर में, जहां पे किताब का विमोचन होना है। इसका नाम है तिलोकदर्शी वाल्मीकि। उसमें देखते हैं हमारे साथ खड़े हैं श्री संजय गोयल जी, जो महापौर रह चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी जो प्रतिक्रिया है इस भारत माता मंदिर के लिए और किताब के लिए वो क्या है, और वो आने वाले टाइम में क्या संदेश देना चाहते हैं। बस ये बात कहीं ना कहीं घर करते हैं, जो सुना है वो कुछ और है और जो हम महसूस कर रहे हैं कुछ और। बहुत अच्छे से चिंतन मन बढ़ा तो हर समझ के मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा। मेरे ध्यान में आया कि मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में ही चिंतन करना, नहीं कर सकते। और मैंने संपर्क किया है कि 2013 में भी आगे भी लगे और साथ में उन्होंने बताया 3-4 महीने महर्षि वाल्मीकि जी आपके जवाब मिला हमारे पास इस विषय से संबंधित कोई जानकारी जो नहीं बच्चे क्या बड़े भी आकर ब्रह्मा जी ने एक आशीर्वाद दिया कि जब तक पृथ्वी पर जीव जंतु पशु पक्षी मृदा और महर्षि वाल्मीकि और रामायण से जो किताब आज लॉन्च हुई है, इस किताब से लोगों को क्या प्रॉफिट होगा, कैसे जानकारी मिलेगी? जैसे कि आप जानते हैं माहौल अब कुछ हो रही है, तो किताब से क्या फायदा होने वाला है? वाल्मीकि के राम जानकारी भी कुछ जानकारी को जीवन में लोग आए जिन्होंने बोला नीचे होते भगवान होंगे।
का पता लग पाता है। तो उनसे पूर्व में हम वाल्मीकि भगवान जी की पूजा वाल्मीकि, यानी कि आपको नाम से पता लग रहा है कि जो किताब का विमोचन है वो वाल्मीकि के ऊपर है और इसमें जो खुली कहानी है वो मात्र के जी है। यहाँ पे कुछ अतिथि हमारे साथ है, मैं बताया तो आपको, एक हमारे साथ है श्री जगदीर गौर जी और हमारे साथ हैं जयपाल जैन जी। आइए उनसे जानते हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वो किस तरीके की है और वो आने वाले टाइम पे भारत माता मंदिर और किताब के लिए क्या कहना चाहते हैं। सर, वाल्मीकि उसका पूरा समाज जानते हैं परंतु उसके रचयिता के बारे में बहुत कम जानते हैं। वो पुस्तक जी जी ने लिखी है उनका अच्छा प्रयास है और अधिक इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। आशा करता हूँ कि आने वाले समय समाज के अन्य बंदे की बच्चे महर्षि वाल्मीकि के बारे में समाज ठीक जानकारी वाल्मीकि के बारे में लोगों के मन में जिज्ञासा बढ़ेगी और वह जिज्ञासा ही नई खोज प्रकार में बनेगी। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे आगे आपकी आगे जो चीज़ें हैं, ये किताब लोगी है और होगी इसमें आप बताते क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या क्या रोल बताना चाहेंगे आपको। देखिए, भगवान वाल्मीकि जी का ये पुस्तक से लोगों में जो रुझान बढ़ेगा वास्तविकता जो उन्हें पता चलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें जानकारी नहीं है, हम केवल सुनते हैं, विशेषकर राजनीतिक या तरह तरह के लोग अपने अपनी तरह उसके परिभाषित करते हैं, लेकिन भगवान वाल्मीकि जो रामचंद्र जी भगवान जी के आने से पहले ही रामायण को लिखते हैं, उनका कितना बड़ा ध्यान देगा, इतने बड़े वाल्मीकि, इतने बड़े क्या नाम जो है उनके बराबर में उनकी तुलना हमारे जो पढ़ते हैं उसको मैंने पढ़ा है कि जब विष्णु ऋषि के आश्रम में पढ़ रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो वो शिक्षा जो उनकी थी वो उसमें सारे लोग अगस्त जी भारद्वाज जी उन सबके साथ शिक्षा ग्रहण किया उन्होंने और उस शिक्षा ग्रहण करने से हमें ये मिला है कि भगवान वाल्मीकि भगवान ही है वो। ठीक है, वो यहाँ एक किसी सीमित क्षेत्र के सीमित के जानकार नहीं, जिनके लोगों के मन में तरह तरह की बातें जो बनाई जा रही है वो है नहीं। हर एक आदमी भगवान को जो राम को मानता है, भगवान के क्या नाम जो है भगवान उसको वाल्मीकि को मानता है। सिर्फ किताब के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये किताब जो है जो हमारे युवाओं में जो आवश्यकता है आज जानने की, भ्रम दूर होने, जब भ्रम दूर होगा तो आगे बच्चे उनके बारे में सोचेंगे कि वास्तव में जो लोग हमें बताया गया है, जो हमें सिखाया गया है वो नहीं था, वो कुछ और है। कि जो हमारे अंदर जो आपस में जो दीवारें जो निकालने का प्रयास किया गया है, भगवान वाल्मीकि की जो पुस्तक जाएगी युवा पढ़ेंगे समाज के लोग पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी बहुत सारी आपने सुना हमारे साथ गौर जी और जैन जी, उन्होंने बताया कि जो किताब के माध्यम से आज का जो युवा है उसको बता दें उसी से क्या है समाज का पूर्व को क्या था और वाल्मीकि जी को क्या थे। मैं दीपक त्रिपाठी, 811 कैमरामैन अमृत चौधरी के साथ हम खड़े हैं बिरसा गार्डन में भारत माता मंदिर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसका नाम है त्रिलोकदर्शी महर्षि वाल्मीकि, जिसके जो लेखक हैं मिस्टर बलजीत चौहान जी हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि पुस्तक को लिखने के पीछे उनका मकसद क्या था और आने वाले टाइम पे वो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं पुस्तक के माध्यम से। बलजीत जी, त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि एक ऐसा विषय है जो सर्व समाज में जाता है तो ध्यान में आता है कि महर्षि वाल्मीकि का नाम आते ही ना पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत समाज से जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। मैंने इस पुस्तक के माध्यम से यही बताना चाहा है कि महर्षि वाल्मीकि सिर्फ एक समाज के नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में जितना हम शोध करते हैं तो हमें पता लगता है कि उन्होंने सिर्फ रामायण ही नहीं
और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वो राजनीतिक चेष्टा मान लीजिए या राजनीतिक कुंठाघात मान लीजिए या ऐसा कुछ भी मान लीजिए कि उनके अनुयायियों को या वाल्मीकि समाज के मानने वालों को वो जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको नहीं मिल पाया। ये मैंने इस पुस्तक में लिखने की कोशिश की है कि महर्षि वाल्मीकि जो समाज है और महर्षि वाल्मीकि जो है वो त्रिकालदर्शी, एक बार आप उनके जीवन को ढंग से दोबारा से पढ़ें, मन में कोई पुराना भाव लेकर वैर भाव लेकर के इस पुस्तक को ना पढ़ें। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यान में आता है कि महर्षि वाल्मीकि जी का जो पूरा जीवन है वो समाज के प्रति समर्पित है, उन्होंने अपने अमर महाकाव्य रामायण में भी बताया। सर अगर किसी को किताब चाहिए हो तो किताब कहाँ से मिल जाएगी? अभी तो व्यवस्था ये है कि कुछ सिलेक्टेड बुक स्टॉल पर ही हमने ये किताब को उपलब्ध कराया है, लेकिन अभी ये प्रथम संस्करण है, इसमें हमने 1000 पुस्तकों का जो है वो रखा है। वो सिर्फ और सिर्फ जो बुद्धिजीवी है, चिंतन है, समाज के वरिष्ठ और समाज के प्रेरणादायक जिन्हों के उनके पास तक उपस्थित होगी, उसके बाद भी फिर जितने भी बड़े बुक स्टॉल्स हैं उन सबके ऊपर ये किताबें फ्रीली अवेलेबल हो पाएंगी। सर आपका एनजीओ चलता है, आपके गुरुकुल भी चलते हैं, फिर आपने अभी पुस्तक भी लिखी है, तो आपको जो प्रेरणा मिलती है कहाँ से मिलती है? सारे काम करने के देखिए प्रेरणा स्रोत तो सिर्फ समाज है। मैं ये मानता हूँ कि समाज से जो चीजें आपको मिली हैं वो आपको समाज को वापस भी देनी चाहिए। आप समाज से सिर्फ ले ही नहीं सकते, मैं ये मानता हूँ देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम हमेशा समाज से लेते ही रहते हैं, कभी भी देने का प्रयास नहीं करते। तो मैं समाज से सीखता हूँ और समाज से ही चाहता हूँ कि मैंने जितना भी कुछ लिया उसका अगर मैं कुछ भी अंश समाज को दे पाऊँ तो मेरा जीवन धन्य है। तो आपने देखा हमारे साथ खड़े थे मिस्टर बजित जी, जिन्होंने किताब लिखी है। हम दुआ करेंगे कि आने वाले टाइम पे आपकी पुस्तकें और मार्केट में आए। ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूरे दिन समाज के साथ में लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं समाज के लिए। मैं दीपक त्रिपाठी, कैमरामैन अंग्रेज के साथ।